अध्याय तीन शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस पढ़िए और समझिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार पुस्तक लेने जा रहा हूँ। उपर्युक्त चित्र के साथ लिखे वाक्य पढ़िए। इनमें तुम, पुस्तक, बाजार आदि शब्द आए हैं। इन्हें पढ़िए और इनकी ध्वनियों को समझने की कोशिश कीजिए। बाजार ब आ ज आ र आ। पुस्तक प उ स त अ क अ। तुम त उ म अ। हमने देखा कि ये ध्वनियाँ या वर्ण आपस में मिलकर शब्द बन गए हैं। अतः ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु केवल वर्णों के मिलाने से शब्द नहीं बनते। अर्थात शब्द बनाने के लिए वर्णों का निश्चित क्रम में जुड़ना और उनका अर्थ निकलना आवश्यक है। जैसे गुलाब शब्द सुनते ही मस्तिष्क में चित्र उभरता है, परंतु यदि हम बुलाक कहें तो कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार मेला और लामे। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। कुछ अन्य शब्द देखें। हाथी ह आ थ ई हाथी। केला क ए ला आ केला। शब्द के भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। मुख्य रूप से शब्द के दो भेद होते हैं, शब्द सार्थक निरर्थक। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मोटा, दिल्ली, रोटी, चावल आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ ही निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वोटा, बिल्ली, वखनऊ, वावल आदि। वाक्य सेंटेंस शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य भी सार्थक शब्दों के समूह से बनते हैं। अतः शब्दों के सार्थक समूह से जब कोई अर्थ निकलता है तो उसे वाक्य कहते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे प्लस पतंग प्लस उड़ा प्लस रहे प्लस हैं। पांच शब्दों का समूह। हम गेंद से खेल रहे हैं। हम प्लस गेंद प्लस से प्लस खेल प्लस रहे प्लस हैं। छह शब्दों का समूह। वाक्य उद्देश्य विधेय। वाक्यों के दो मुख्य भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में वैभव उद्देश्य है और बाकी बचा वाक्यांश विधेय है। आइए पुनरावृत्ति करें। एक दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। दो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। तीन सार्थक और निरर्थक शब्दों के दो प्रकार होते हैं। चार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। पांच वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य दो विधेय। अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को शब्दों का सही उच्चारण करना सिखाएं तथा वाक्य निर्माण का अभ्यास कराएं। अभ्यास कार्य मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क शब्द किसे कहते हैं? उत्तर वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। ख शब्द कैसे बनते हैं? उत्तर दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। ग वाक्य की रचना कैसे होती है? उत्तर सार्थक शब्द समूहों के मेल से वाक्य बनता है। घ उद्देश्य और विधेय किसके भेद हैं? उत्तर उद्देश्य और विधेय वाक्य के भाग या अंक हैं। लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स। एक वर्णों को निश्चित रूप देकर सार्थक शब्द बनाइए। र ही न उत्तर हिरन। न ए क उत्तर एनक। र बन द उत्तर बंदर। डी गू या उत्तर गुड़िया। ध या रू उत्तर रुपया। री ब क उत्तर बकरी। दो दिए गए वाक्यों में उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
का शब्दों का डैश समूह डैश कहलाता है। उत्तर सार्थक वाक्य। ख वर्णों का डैश समूह निरर्थक शब्द कहलाता है। उत्तर निरर्थक। ग वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे डैश कहते हैं। उत्तर उद्देश्य। घ मैं जाऊंगा आज बाजार, यह एक वाक्य डैश है। उत्तर नहीं है। तीन वाक्यों को सही करके लिखिए। का छुट्टी है रविवार के दिन होती। उत्तर रविवार के दिन छुट्टी होती है। ख रोज जाता हूँ मैं विद्यालय। उत्तर मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। ग बोलना हमें सदा चाहिए सच। उत्तर हमें सदा सच बोलना चाहिए। घ रंग सांवला है मेरा। उत्तर मेरा रंग सांवला है। चार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कपड़े। उत्तर मेरी माँ मुझे सुंदर कपड़े दिलाती है। नानी। उत्तर मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाता हूँ। फल। उत्तर हमें फल खाने चाहिए। बस्ता। उत्तर मेरा बस्ता मुझे अति प्रिय है। सोचे विचारे क्रिटिकल थिंकिंग। पाँच अपनी कक्षा में मूक अभिनय द्वारा शब्द संकेतों का खेल खेलिए। उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। छह अपने परिवार पर पाँच वाक्य लिखिए। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मधुर शब्द मन की प्रसन्नता और कटु शब्द मन को पीड़ा देते हैं। अतः तोलो मोलो तब बोलो।